नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करें पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बेस्ट लॉजिस्टिक या फिर कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में बताएंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके थोड़ा सा पैसा एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और जानेंगे कि आप इन कंपनियों की कुरियर फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे और आपको कंपनी द्वारा किस प्रकार से कमीशन या फिर प्रॉफिट इसके अंदर दिया जाएगा, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक या फिर कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में। तो दोस्तों लॉजिस्टिक या फिर कुरियर फ्रेंचाइजी की बात करें तो आज लॉजिस्टिक और कुरियर फ्रेंचाइजी कंपनियों के बगैर आज बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारी जगह देखते हैं सिटी के अंदर बहुत सारी कुरियर कंपनियों के ऑफिस मिलेंगे, जैसे ब्लू डार्ट हो गई, DTDC हो गई, ई कार्ट हो गई या फिर डिलीवरी हो गई, ईकॉम एक्सप्रेस हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनियों के हमें ऑफिस मिलेंगे। दोस्तों ये ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे या फिर किसी के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। यदि हम कोई किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो यही कंपनियां हैं जो हमें हमारे ऑर्डर को घर तक पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों आज इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुरियर या फिर लॉजिस्टिक का बिजनेस करती है। जैसे हमने आपको पहले बताया ई कार्ट, डिलीवरी, DTDC, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आज करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है और कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार जमा रखा है। और दोस्तों कंपनियां इंडिया की हर सिटी के अंदर बिजनेस करती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया के कोने कोने के अंदर प्रोडक्ट यही कंपनियां पहुंचाती है। और दोस्तों धीरे धीरे सभी कंपनियां अपना नेटवर्क को बढ़ा रही है और इंडिया की हर सिटी के अंदर अपना ऑफिस ओपन कर रही है, जिससे हर सिटी के अंदर कस्टमर को कैप्चर किया जा सके, हर सिटी के अंदर सभी प्रोडक्ट पहुंचाए जा सके। इसके लिए दोस्तों कंपनियां फ्रेंचाइजी देती है। तो दोस्तों कोई पर्सन जो अपना एक अच्छा सा लॉजिस्टिक या फिर कुरियर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वह किसी भी कंपनी की एक अच्छी सी कुरियर फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी कंपनी के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश करके अच्छी कमाई कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आप किसी भी कंपनी की कुरियर या फिर लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी जिस कंपनी की आप कुरियर फ्रेंचाइजी लेंगे। जैसे दोस्तों आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ छोटी कंपनियां हैं जो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के अंदर भी अपनी फ्रेंचाइजी दे देगी। लेकिन दोस्तों यदि आप एक अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए और आपके पास अच्छा वर्किंग एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपके वर्कर बैठकर काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक छोटा सा गोडाउन होना चाहिए और दोस्तों आप ऑफिस की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कस्टमर आसानी से आ सके, कोई भी गाड़ी आसानी से आ सके, जो दूर दूर से लॉजिस्टिक की गाड़ियाँ आती हैं वो आपके ऑफिस तक आराम से आ सके, ऐसी जगह आपकी लोकेशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास कम से कम 5 से 10 वर्कर का स्टाफ होना चाहिए, आपके पास कम से कम 1 या 2 कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए, आपके पास व्हीकल होना चाहिए, आपके पास बारकोड स्कैनर होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए। इन सभी इक्विपमेंट्स की दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपके पास अपने ऑफिस या फिर अपनी फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपके पास अपने ऑफिस के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप एक अच्छी सी कंपनी की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको कुछ बेस्ट कंपनियां बताते हैं जिनकी फ्रेंचाइजी आप थोड़े से रुपए के अंदर लेकर कंपनियों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ई कार्ट इंडिया में कुछ सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। दोस्तों कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है और कंपनी हर महीने 10 मिलियन से अधिक सीमेंट 4000 से अधिक पिन कोड के ऊपर पहुंचाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कंपनी फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो फ्लिपकार्ट की सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है वो कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। दोस्तों ये कंपनी अपनी फास्ट सर्विस के लिए जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ई कार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को एक दिन के अंदर भी कुरियर प्रोवाइड कर सकती है, यानी एक दिन के अंदर कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचा सकती है। तो दोस्तों कोई पर्सन जो एक अच्छी सी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है, कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो वह ई कार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। इसके बाद दोस्तों ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एक इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों ये कंपनी भी कुरियर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और दोस्तों कंपनी कार्गो एयरलाइन की सब्सिडरी कंपनी है जो दक्षिण एशिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों
कंपनी 1983 के अंदर स्टार्ट हुई थी और आज इंडिया के कोने कोने के अंदर बिजनेस करती है। कंपनी दोस्तों 14,000 से अधिक पिन कोड के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करती है और 220 से अधिक देशों के अंदर आज लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और कितने बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। तो दोस्तों यदि आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और आप एक अच्छा लॉजिस्टिक का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप ब्लू डार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों DTDC यानी डैश टू डैश कुरियर कार्गो सर्विस कंपनी, दोस्तों ये कंपनी भी इंडिया के अंदर एक अच्छे लेवल पर बिजनेस करती है और कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। कंपनी दोस्तों हर महीने 12 मिलियन से अधिक शिपमेंट करती है यानी 12 मिलियन से अधिक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रही है। और दोस्तों कंपनी यूरोस्टार एक्सप्रेस में 52% हिस्सेदारी के साथ बिजनेस करती है और 2013 के अंदर DTDC कंपनी ने 70% निको लॉजिस्टिक कंपनी का अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितने बड़े लेवल पर बिजनेस कर रही है आज और कितना बड़ा कारोबार कंपनी ने जमा रखा है। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती है और इंडिया की कुछ टॉप लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर आती है। तो यदि आप एक अच्छा लॉजिस्टिक का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप DTDC कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिलीवरी पीवीटी लिमिटेड, दोस्तों डिलीवरी भी एक अच्छी इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है जिसको सन 2011 के अंदर स्टार्ट किया गया था। दोस्तों कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और आज इंडिया के अंदर डिलीवरी कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की कुछ टॉप लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर आती है जिसने इंडिया के कोने कोने के अंदर अपने ऑफिस ओपन कर रखे हैं यानी अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है जहां पर कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा रही है और इंडिया के बहुत से पिन कोड के ऊपर आज कंपनी अपनी कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों यदि इंडिया की कुछ टॉप लॉजिस्टिक कंपनी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप डिलीवरी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पर बिजनेस करती है और आपको अच्छे प्रॉफिट बना के ये कंपनी दे सकती है। इसके बाद दोस्तों ईकॉम एक्सप्रेस प्योरिटी लिमिटेड, दोस्तों ईकॉम एक्सप्रेस भी एक अच्छी इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और कंपनी इंडिया के 29 स्टेट के अंदर आज बिजनेस कर रही है। और दोस्तों कंपनी आज 2400 से अधिक शहरों के अंदर बिजनेस करती है और इंडिया की टॉप प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी में से एक है। और दोस्तों कंपनी आज 1.2 बिलियन से अधिक कस्टमर तक कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इंडिया के अंदर धीरे धीरे कंपनी अपना कारोबार जमा रही है। जैसे कंपनी अपने नए नए स्टेट के अंदर, नई नई सिटी के अंदर अपने ऑफिस एस्टैब्लिश कर रही है और अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है। तो दोस्तों यदि आप इंडिया की टॉप लॉजिस्टिक कंपनी में से एक की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप ईकॉम एक्सप्रेस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है और अच्छे लेवल पर बिजनेस करती है। तो दोस्तों ये इंडिया की कुछ अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी थी जिनकी आप फ्रेंचाइजी लेकर लॉजिस्टिक का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के हिसाब से है, कंपनी कितनी बड़ी है उस हिसाब से आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कंपनी कितनी छोटी है उस हिसाब से आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने एरिए के अंदर कंपनी को लॉजिस्टिक या फिर कुरियर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट करवा लेगी। दोस्तों आप जब भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको पहले लिस्ट देगी किस लोकेशन पर कितनी इन्वेस्टमेंट करवाती है, उस हिसाब से आपको फ्रेंचाइजी कंपनी द्वारा दी जाएगी। अब बात करें दोस्तों कि आप इनमें से किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जहाँ पर आप कंपनी का ऑफिस बनाना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन और आपके पास डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों आप सभी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी से या फिर कंपनी के टोल फ्री नंबर से कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कंपनी की वेबसाइट के ऊपर तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, वहां से फॉर्म अप्लाई करके आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर से कॉन्टैक्ट कंपनी से कर सकते हैं और कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर लॉजिस्टिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप किसी भी कंपनी की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसके ऊपर कंपनी द्वारा प्रॉफिट या फिर कमीशन किस प्रकार से दिया जाता है, तो दोस्तों यदि इसके अंदर प्रॉफिट या फिर कमीशन की बात करें तो इसके अंदर कंपनी आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी के ऊपर कमीशन या फिर प्रॉफिट देगी, वो सभी कंपनी का अलग अलग है दोस्तों, कुछ कंपनी का ज़्यादा है कुछ का कम है। तो आपको उस लोकेशन के हिसाब से और प्रोडक्ट की डिलीवरी के हिसाब से सभी कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट या फिर कमीशन देगी। और दोस्तों इसके अंदर कंपनी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देती है जैसे ऑफिस के अंदर कुछ वर्कर के लिए कुछ अलग सैलरीज और कुछ इक्विपमेंट्स के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी जिससे आपको आसानी हो जाएगी बिजनेस करने में और आप आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे आप किसी भी कंपनी की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेकर अपना एक
अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और ज़्यादा प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी फ्रेंचाइजी संबंधित बिजनेस संबंधित स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।